बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 को जनरली रिव्यू किया था उसका। आज हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को जनरली डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना होता है। केमिकल बॉन्ड दरअसल ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो किसी भी सब्सटेंस में एटम को आपस में मिलाए रखती है। केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले हमें ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को डिस्कस कर लेना ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। ऑक्टेट रूल का मतलब एटम का अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन जब गेन कर लेता है एटम तो स्टेबिलिटी का साइन है। इसी तरह डुप्लेट रूल का मतलब एटम का अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लेना। आयोनिक बॉन्ड पहली टाइप है हमारे केमिकल बॉन्ड की। ये ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से पैदा होता है। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफर हो तो दरअसल आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ये कब देखने में मिलता है? जब ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 17 तक, ग्रुप नंबर 15 से 17 तक के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनमें आयोनिक बॉन्ड वजूद में आता है। ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं जिनमें अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। और आपको मालूम है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। जबकि ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट हैं ये नॉन मेटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लिहाजा ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का बनना है। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन उसकी लिखी गई है जिसमें सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रही है। हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह फॉर्मेट होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी कॉन्फिग्रेशन को देखना पड़ेगा। यह हमारे पास सोडियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है जिसका 3s1 सबशेल जो है वो इनकम्प्लीट है। इसी तरह क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हमें बता रही है कि इसका जो 3p सबशेल है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम जो है ये चूंकि एक मेटेलिक एटम है लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, जबकि क्लोरीन एक नॉन मेटेलिक एटम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर गेन कर सकता है। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन तश्कील देगा। यूं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो वजूद में आएंगे जिनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वजूद में आती है और वो एक दूसरे के साथ बड़े मजबूत तरीके से बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसकी एक जनरल इक्वेशन हमारे पास यहाँ लिखी गई है। सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन आफ्टर रिएक्शन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड है लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। दूसरी किस्म इसकी कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, ना एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं, बल्कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर किया जा रहा होता है। शेयरिंग का मतलब हर एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा होता है जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं। ये बॉन्ड कब बनता है? अमूमन जब ग्रुप नंबर 13 और 17 तक के जो एलिमेंट हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और हर एटम कंट्रीब्यूट करता है उस शेयरिंग। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के लिहाज से हमने इनको मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला इसकी किस्म जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया जा रहा होता है हर एटम से, यानी हर एटम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे यहाँ हमें नजर आ रहा है हाइड्रोजन का एक एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। लिहाजा चूंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है हर एटम ने, लिहाजा इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम एक लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमें नजर आ रही है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है,
यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हर एटम में। यूं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल वजूद में आया है। इसी तरह क्लोरीन में, हाइड्रोजन क्लोराइड में और मीथेन के अंदर ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग जाहिर की गई है। दूसरी टाइप इसकी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें हर एटम दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। इसकी मिसाल ऑक्सीजन की है। ये एक ऑक्सीजन का एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यही भी दूसरा ऑक्सीजन का एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यूं ये दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करके डबल बॉन्ड तश्कील दे रहे हैं, और यूं दो ऑक्सीजन के एटम डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जबकि इसकी दूसरी किस्म यहाँ मिसाल हमें इथीन में नजर आ रही है, जिसमें कार्बन के दो एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। तीसरी किस्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। इसका मतलब बॉन्ड बनाने के लिए हर एटम ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। इसकी मिसाल नाइट्रोजन फॉर्मेशन है। ये नाइट्रोजन का एक एटम है, ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एक दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिहाजा ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ये जो डॉट एंड क्रॉस हमें नजर आ रहे हैं, तीन डॉट और तीन क्रॉस, इसका मतलब ये हर एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के एटम ने कंट्रीब्यूट किए हैं, जबकि ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम ने कंट्रीब्यूट किए हैं। यूं एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आ रहा है नाइट्रोजन के दो एटम के दरमियान, और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। इसकी दूसरी मिसाल इथाइन की है। इथाइन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन के दो एटम के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि हर कार्बन के एटम ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शेयर किया है। नेक्स्ट एग्जांपल जो केमिकल बॉन्ड की है वो है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम ही डोनेट करता है। ये बॉन्ड उस वक्त वजूद में आता है जब किसी एक एटम के पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ हो, जबकि दूसरा एटम या आयन उसको एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो। इसका मतलब यहाँ एक एटम या मॉलिक्यूल डोनर का रोल प्ले करेगा, जबकि दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर का रोल प्ले करेगा। क्योंकि इसमें जो लॉ जो बॉन्ड पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम डोनेट कर रहा है, लिहाजा इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी दो एग्जाम्पल हमारे पास है। पहली एग्जाम्पल अमोनियम आयन फॉर्मेशन की है, दूसरी बोरॉन ट्राइक्लोराइड की है। अमोनियम आयन फॉर्मेशन में देख रहे हैं आप कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन के एटम के पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। जब एक हाइड्रोजन आयन उसको अप्रोच करता है तो नाइट्रोजन अमोनिया के में जो नाइट्रोजन का एटम है वो अपने साथ मौजूद जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देता है हाइड्रोजन आयन को। यूं अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन एटम एक डोनर का रोल प्ले कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन आयन एक एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा है। उसको हमने यहाँ एक एरो से शो कर दिया है। इसका मतलब ये एरो साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लॉन्ग पेयर है ये डोनेट हुआ है फ्रॉम अमोनिया टू हाइड्रोजन आयन, लिहाजा यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आ रहा है। दूसरी इसकी एग्जाम्पल बोरॉन ट्राइक्लोराइड की है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 3 एटम के साथ बांड बनाए हुए हैं। यूं इसके पास 3 फ्लोरीन एटम के साथ बांड बनाने के बावजूद 2 मजीद इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लिहाजा जब ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ को अप्रोच करता है तो अमोनिया में नाइट्रोजन का एटम चूंकि एक लॉन पेयर रखता है, लिहाजा ये अपना वो लॉन पेयर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर देता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि लॉन पेयर सिर्फ एक एटम ही डोनेट कर रहा है, लिहाजा यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो भी एक बोरॉन डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको बाद में हमने यहाँ पर एरो साइन से रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? जब पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल
attracts and forms a bond with partially negatively charged atom of the other molecule. हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस वक्त देखने में आती है जब हाइड्रोजन एटम किसी ऐसे एटम को अप्रोच कर रहा होता है जो साइज में छोटा हो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो क्या होगा कि जब हाइड्रोजन इन एटम्स को अप्रोच करेगा तो चूंकि ये एटम छोटे भी हैं साइज में और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लिहाजा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी बिना पर हाइड्रोजन पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है पार्शियल, जबकि ऑक्सीजन पर अच्छा खासा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यूं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईली डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन के एंड पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से और दूसरे एंड पर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से, जो कि पार्शियल चार्जेज आए हैं, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग पैदा होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मॉलिक्यूल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन पर भी अच्छे खासे असरात मुरतब होते हैं। जैसे एक इसका जो आम फिनोमेना है वो फ्लोटिंग ऑफ आइस जो है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होता क्या है कि जब पानी बर्फ में तब्दील होता है तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करते हैं और एक ओपन स्ट्रक्चर वजूद में आता है, जिसकी वजह से बर्फ की डेंसिटी जो आइस डेंसिटी ऑफ आइस है वो पानी के मुकाबले में कम हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की डेंसिटी 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आइस की डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, आइस की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। यही वजह है कि जब बर्फ पानी में फेंकते हैं तो बर्फ ऊपर तैरने लगती है। चैप्टर नंबर 5 में हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया है, जिसके मुताबिक किसी भी गैस का जो गिवन मास होगा वो उसके प्रेशर जो उसको प्रोवाइड किया गया होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो तीसरी चीज जो कि टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड, जिसको मैथमेटिकली हम यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जबकि के यहाँ कांस्टेंट लगाने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वालिटी में चेंज किया है, यू हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि वी बी इज इक्वल टू के। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक गैस जिसका वॉल्यूम वी वन है जबकि उसका प्रेशर वी वन है, अगर हम उसका प्रेशर P1 से चेंज करके P2 कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेटली V2 हो जाएगा, जिसमें जिसको हमने एक रिलेशन की शक्ल में यहाँ लिखा हुआ है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये दरअसल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बॉयल्स लॉ की। दूसरा लॉ इसी चैप्टर का चार्ल्स लॉ है, जिसको जैकब चार्ल्स ने पेश किया है, जिसके मुताबिक उसने रिलेशन बनाया है वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर हम गिवन मास ऑफ गैस का जो टेम्परेचर प्रेशर है वो कांस्टेंट रख लें, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करें, तो हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी उसका कम होगा, जिसको मैथमेटिकली हमने लिख दिया वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसके बाद हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया है, रिलेशन हमारे पास बन गया वी इज इक्वल टू के टी, जबकि वी ओवर टी किसके इक्वल आया, कॉन्स्टेंट के जो कि के है। फर्ज किया हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाकर T2 कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा, और एक रिलेशन जो हम हासिल कर पाएंगे वो होगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब हम चार्ल्स लॉ की एक एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है, हमें कहा गया है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम -30 डिग्री सेल्सियस पर 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है,
अगर हम उसका वॉल्यूम 700 क्यूबिक सेंटीमीटर करना चाहते हैं, मतलब इंक्रीज करके 250 क्यूबिक सेंटीमीटर से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर करना चाहते हैं, तो बताएं हमारे उसका टेम्परेचर क्या होगा। यहाँ हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। चार्ल्स लॉ अप्लाई करने से पहले हमने इसके डाटा में देखना है क्या हमारा जो गिवन डाटा है उसके यूनिट जो है वो हमने कन्वर्जन ऑफ द यूनिट कर लिया है। तो यहाँ देखें डिग्री सेल्सियस था, हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड किया जाता है, -30 +273 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा 243 केल्विन। चार्ल्स लॉ अप्लाई किया, चार्ल्स लॉ हमारे पास है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। हमने T2 कैलकुलेट करना है जो उसकी डेरिवेशन आ जाएगी T2 इज इक्वल टू V2 T1 ओवर V1। दी गई वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, V2 की जगह 700, T1 की जगह 243, जबकि V1 की जगह 250 आया। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 680.4 केल्विन। अब केल्विन को हम अगर दोबारा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जिस तरह हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया था उसमें, इसी तरह जब हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। जब 680.4 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर जो आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, और वो क्या आ रहा है 407.4 डिग्री सेल्सियस। जी आज का ये हमारा जो रिव्यू था वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले दो चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।